Hello viewers, today I am going to tell you all each and every step to make a successful YouTube video. YouTube video बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये किसी नए यूट्यूबर ने पूछा है, तो उसके लिए हम स्टेप बता रहे हैं उसको कि सबसे पहले आपको YouTube video की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस टॉपिक पे आपको चैनल खोलना है और वीडियो आपका वहाँ पे उस टाइप का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके आइडिया और टॉपिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च करके, टॉपिक को ढूंढ के कि क्या टॉपिक वायरल चल रहे हैं। अंडरस्टैंड यूट्यूब इक्विपमेंट, अब आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगता है वीडियो बनाने के लिए पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए, और अगर माइक है तो बहुत अच्छी बात है, और ट्राइपॉड, और अगर नहीं है तो भी काम चलेगा, एक स्मार्टफोन से ही आप वीडियो बना सकते हैं, और अगर लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आजकल यूट्यूब जो है वो मोबाइल पे ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है। और फिर उसके बाद आपको वीडियो बनाना भी आना चाहिए, तो वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपको सर्च करके पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें जिससे कि हम वीडियो बना पाएँ। सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर से भी आप वीडियो को बना सकते हैं, जो जनरली सभी मोबाइल में होता है। उसके बाद आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना भी आता है, तो रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ करके आप अपने वीडियो को का ट्यूटोरियल बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल यूज़ करके या पहले से टेक्स्ट प्रिपेयर करके उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप बना सकते हैं, या आप खुद अपने कैमरे से अपनी फ़ोटो लेकर के वीडियो में बोल सकते हैं, और उसको रिकॉर्ड अगर लैपटॉप पे बना रहे हैं तो डेस्कटॉप को रिकॉर्डिंग करना चाहिए आना चाहिए, जिसके लिए आपको लैपटॉप के सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए कि कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं। अब वीडियो रिकॉर्ड करना आ जाएगा आपको, तो फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग आनी चाहिए कि कैसे एडिट होगा। एडिटिंग में आपको साउंड कम ज़्यादा करना आना चाहिए, आपको क्लिप ऐड करना आना चाहिए, आपको वीडियो दो वीडियो ऐड करना या ट्रिम करना अलग करना भी आना चाहिए, वीडियो में कंट्रास्ट और बैकग्राउंड कैसे बदले आना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप शुरू करिएगा तो आपको धीरे धीरे सॉफ्टवेयर मिलते जाएंगे, और आप जब YouTube पे वीडियो के ट्यूटोरियल को देखिएगा तो आपको YouTube पे वीडियो बनाना आ जाएगा। जैसे आप स्मार्टफोन में स्टोरी और रील बनाते हैं, उसी तरह से वीडियो बनाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करके आप वीडियो को बना सकते हैं। अपलोड योर वीडियो ऑन यूट्यूब, और जब सब कुछ कर लीजिए, आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि वीडियो आपका सही बन गया, तो उसको वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। अब अपलोड करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करना आना चाहिए। अब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको वीडियो का वीडियो का जो टाइटल आपने रखा है, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, हाउ डज गूगल वर्क ऑन यूट्यूब, हाउ डज गूगल वर्क, गूगल सर्च इंजन वर्क, हमने दो टाइटल इसमें रखी है, और वही टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालना है और वही टाइटल आपको टैग में भी डालना है। जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो हमें टैग के बारे में नहीं पता था, तो हम वीडियोज़ में टैग डालते ही नहीं थे और थंबनेल नहीं लगाते थे, इसको थंबनेल बोलते हैं। जब आप वीडियो बनाते हैं तो एक अलग से आपको फोटोग्राफ बनानी पड़ती है, जो वीडियो के ऊपर थंबनेल की जगह डालना पड़ता है। आप थंबनेल देखिए, यहाँ पर जब आप डालिएगा तो ये देखिए, यहाँ पर ये थंबनेल मांगेगा, यहाँ पर आप थंबनेल डाल सकते हैं, और जब आप यहाँ पर टाइटल लिख दीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बताना पड़ेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं तो और कीवर्ड डालते हैं, कीवर्ड रिसर्च करके डालते हैं, तो आपका वीडियो रैंक करेगा और जल्दी काम करेगा। आप देखिए, हमने बताया कि गूगल जो होता है क्राउलिंग करता है, फिर इंडेक्सिंग करता है और फिर रैंकिंग करता है, तब वो टॉपिक को सर्च करता है। उसके बाद आपको अपने चैनल जो बनाइएगा उसका नाम देना पड़ेगा, उसका सोशल मीडिया लिंक्स देना पड़ेगा। अगर आपके सोशल मीडिया लिंक नहीं है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे बना लीजिए, या जो जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो और उसका लिंक यहाँ दे दीजिए, जिससे लोग आपको फॉलो कर लें।
आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक बना सकते हैं और वहाँ पर आप अपने वीडियो डाल सकते हैं। इन सब का फ़ायदा ये है कि अगर अदर सोशल मीडिया से भी आपको वॉच टाइम मिलेगा। अब जब थंबनेल डाली आपने तो ये पूछेगा कि प्लेलिस्ट क्या, कौन कौन सी प्लेलिस्ट में डाला है। तो हमने दो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो हम काफ़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन प्लेलिस्ट में अपने नाम को वीडियो को डाल देते हैं कि इस प्लेलिस्ट में। अब देखिए यहाँ पे हमने जनरल टॉपिक में डाला है गूगल को। जब वीडियो में आप प्लेलिस्ट डाल देते हैं तो आपसे वो टैग पूछेगा। अब टैग में आप कीवर्ड रिसर्च करके गूगल पे वर्ड को ढूंढ करके आप अपना डाल सकते हैं। वहाँ पे आप जैसे यहाँ पे डालिएगा हाउ डज गूगल वर्क, तो देखिए ढेर सारे टॉपिक आ गए। इन टॉपिक को जो आपके मैटर से मैच करता हो उसको डाल करके आप अपनी इंफॉर्मेशन में टैग में और डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। नहीं डालना है, नहीं डालना है। उसके अलावा आप हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल का नाम, जैसे हमने MS रतन अग्रवाल, ये रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर डाला है, आप अपने टैग में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो में आपको हैश शॉर्ट लिखना पड़ेगा, हैश शॉर्ट फीड, हैश शॉर्ट शॉर्ट वायरल वीडियो, ये सब लिखना पड़ेगा। और जब टैग हो जाएगा तो आपसे वो पूछेगा कि वीडियो किस लैंग्वेज में, तो अपनी लैंग्वेज जरूर दीजिएगा। तो इसके बाद आपको देना पड़ेगा कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन के किस में, तो हमने इंग्लिश में लिया इसलिए इंग्लिश दे दिया। फिर रिकॉर्डिंग डेट पूछेगा, फिर रिकॉर्डिंग डेट के बाद आपसे पूछेगा क्रिएटिव कॉन्टेंट है कि यूट्यूब का है, तो जो आप दे दीजिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको एंड स्क्रीन और आई बटन लगाना होता है। अब एंड स्क्रीन क्या होता है, जब आपका वीडियो बन जाता है तो अब यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन आ गया है, लाइव चैट रिप्लाई पार्टिसिपेंट मोड, कोई भी आ सकता है या सब्सक्राइबर आ सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन ले लीजिएगा, हाउ लॉन्ग वॉन्ट पार्टिसिपेट टू वेट सेंडिंग मैसेज, कितने सेकंड तक आप वेट करना चाहते हैं सेंडिंग मैसेज के बाद। और यहाँ पर कैटेगरी आपको देना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है, और कमेंट में होल्ड अ पोटेंशियल इनअप्रोप्रिएट, कुछ आपके गलत कमेंट्स भी आते हैं उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इतनी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें एंड स्क्रीन क्या होता है, एंड स्क्रीन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर सब टाइटल आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो आपके वीडियो में दिखता रहेगा। एंड स्क्रीन में आप अपने और पिछले वीडियो लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या वीडियो आप ऐड करिए। तो यहाँ पर चार एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, जिसमें से वीडियो में ये देखिए हमने लगा रखा, दो वीडियो लगा रखा और दो प्लेलिस्ट लगा रखी है। तो यहाँ पर आप चूज़ करके, यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन में आप एक हटाएंगे तब वो देगा, वो दे नहीं रहा है, तो इसको ऐसे किया। और प्ले देखिए वीडियो प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करना है चैनल का या लिंक देना है, तो ये सारी चीज़ें आएगी। तो हमने प्लेलिस्ट दिया और जो अभी डिलीट की थी वो प्लेलिस्ट हम डाल देंगे, या हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये देखिए मेरी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस पर जाके आप डिस्कार्ड चेंजेस कर देंगे तो जो अभी हमने डिलीट किया था वो वापस आ जाएगा। अब आया आपका आई बटन। आई बटन में क्या करना होता है आपको कि जो टॉपिक आप बोल रहे हैं उसमें 5 आई बटन आप लगा सकते हैं, आई कार्ड। तो यहाँ पर जाके आप अपनी प्लेलिस्ट या उस वीडियो का को इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे, यहाँ कर लिया फिर यहाँ कर लिया फिर यहाँ कर लिया, डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे आप अपने वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और बने हैं। अदरवाइज
आप एक भी दे सकते हैं और पांच भी दे सकते हैं, तो टाइम स्टैम्प पे जाकर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो पूरा एसईओ उसका अच्छे से हो जाता है, और जो टाइटल आपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टाइटल में दिया है, वही टैग में दीजिएगा तो जल्दी सर्च में आपका वीडियो आ जाएगा। और इसके अलावा एसईओ पे एक और हम वीडियो बना देंगे, आपने पूछा था, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे वीडियो का सर्च इंजन में लाते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्राउलिंग में क्या करता है वीडियो में, ये आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल कैसे काम करता है। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल।